हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लूइड और हाइड्रोलिक कपलिंग के बारे में। इसमें क्या होता है कि यह हमारा एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका यूज हम पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। इसके हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक होता है हमारा केसिंग, या इसे हाउसिंग भी बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूरा फिट होता है, केसिंग के थ्रू ये कवर्ड होता है। दूसरा होता है इसमें पंप इंपेलर, तीसरा होता है इसमें हमारा टरबाइन रनर, और इसमें फ्लूइड को हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा ड्राइविंग शाफ्ट होता है और ये हमारा ड्रिवन शाफ्ट होता है। इसे बोलते हैं पंप इंपेलर, और यह हमारा होता है टरबाइन रनर। तो ड्राइविंग शाफ्ट पे पंप इंपेलर माउंट होता है और ड्रिवन शाफ्ट पे टरबाइन रनर हमारा माउंट होता है। तो चलिए इसके वर्किंग के बारे में अब हम बात करते हैं। ड्राइविंग शाफ्ट हमारा किसी इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू कनेक्ट होता है, और जब इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करता है तो हमारा ये ड्राइविंग शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है, और ये ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर हमारा ये पंप इंपेलर माउंट होता है, तो वो पंप इंपेलर भी रोटेट करने लगता है, और इसमें फ्लूइड हमारा फिल होता है। तो जब हमारा पंप इंपेलर रोटेट करने लगता है तो एनर्जी इंपाइल हो जाता है फ्लूइड में, काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लूइड, और फ्लूइड मोशन करने लगता है, और यह फ्लूइड टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करती है तो हमारा टरबाइन भी रोटेट करने लगता है। तो टरबाइन जब रोटेट करता है तो ड्रिवन शाफ्ट पे हमारा टरबाइन माउंट होता है, तो हमारा ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। तो जैसे ये फैन है, फॉर एग्जांपल ये एक फैन है और ये एक दूसरा फैन है। तो जैसे इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये रोटेट करने लगता है, और यह एयर के थ्रू यह अपना एनर्जी इस फैन को देता है तो यह फैन भी हमारा रोटेट करने लगता है। इसी प्रकार से ये हमारा फ्लूइड हाइड्रोलिक कपलिंग वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि पंप इंपेलर और टरबाइन आपस में दोनों डिसइंगेज होता है, किसी भी मैकेनिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपस में कनेक्ट नहीं होता है। इसे फ्लूइड हाइड्रोलिक कपलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस डिवाइस में हम फ्लूइड का यूज करते हैं। फ्लूइड जैसे हमारा हो गया ऑयल, एयर, ईटीसी, जिसका यूज करके हम इसमें पावर ट्रांसमिशन करते हैं फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट, इसीलिए इसे फ्लूइड हाइड्रोलिक कपलिंग कहते हैं।